Generation for Youth, popularly known as the People's President, embodiment of simplicity, modesty and honesty. Our students of class 3rd to 6th Adipur branch have come up with a tribute to former President of India, eminent scientist, great educationist, the missile man of India, Bharat Ratna, Dr. APJ Abdul Kalam. This is our homage to the man of discipline and passion. Salam to our Kalam. Our students are here to share the glimpse about his inspiring path. This performance is supervised by Mrs. Anju Shahani. आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जिनको ना सिर्फ मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है बल्कि वो भारत रत्न की उपाधि से भी सुशोभित हुए और अपने देश के राष्ट्रपति पद को भी उन्होंने अपने गौरव से गौरवान्वित किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की। ये थी आज की कहानी।
ऐसे व्यक्ति की जिसने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और लगन आपके हर सपने को पूरा करते हैं। We Indians owe him a standing ovation for all his outstanding efforts. What a fantastic performance! We request all our meritorious students who stood first in the last academic year, our best boy, our best girl of 10th and 12th, to kindly gather on the right-hand side of the stage. Before becoming a Muslim, a Hindu, a Sikh or a Christian, let's become a human first. He who regards all men as equal is religious. From the pages of Guru Granth Sahib, these are just a few sermons by Guru Nanak Dev Ji who believed in harmony and meditation in the name of divine soul. Our students of primary section, new building, coming up on the stage to dramatize the few preachings of Guru Nanak Dev Ji. Mrs. Neha Aswani and Mrs. Suhana Bambani have put up their efforts for this performance. धर्म के संस्थापक तथा प्रथम गुरु थे। उनका जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी नाम के गांव में हुआ था। गुरु नानक देव जी इस बात पर विश्वास रखते थे कि जिस दिशा में देखो उस दिशा में ईश्वर है और ईश्वर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। माँ अपनी बेटी को स्कूल जाने के लिए कहती है, गुड मॉर्निंग बेटा, हो गई स्कूल के लिए रेडी? गुड मॉर्निंग मम्मी, हाँ हो गई। बेटा ये ना तुम्हारा टिफिन, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी जाओ। क्या है मम्मी आज टिफिन में? सब्जी रोटी बेटा। मम्मी मुझे नहीं खानी है सब्जी रोटी। क्यों? मुझे रोज रोज ये सब्जी रोटी अच्छी नहीं लगती, मुझे नूडल्स बर्गर खाना है। बेटा नूडल्स बर्गर हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, हमें वो सब नहीं खाना चाहिए। ये लो तुम्हारा टिफिन। बाय बेटा। बच्चा स्कूल जाता है और वहां पढ़ने के लिए क्लास में बैठता है। रिसेस होते ही बच्चा अपना टिफिन डस्टबिन में फेंक देता है। नहीं खानी मुझे ये रोटी सब्जी। वंशिका रोती हुई आ रही है। अरे वंशिका तुम रो क्यों रही हो? आज मैं मेरा टिफिन ही नहीं लाई तो तुम मुझे बोलती, मैंने अपना टिफिन अभी अभी डस्टबिन में फेंक दिया। क्यों? तुमने अपना टिफिन डस्टबिन में क्यों फेंक दिया? क्योंकि मुझे सब्जी रोटी नहीं नूडल्स बर्गर खाना था। आज मेरे घर आटा ही नहीं था। तुमने अपना टिफिन डस्टबिन में क्यों डाल दिया? जानवर को खिला देती। ऐसे ही डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए। तुम सही कह रही हो वंशिका, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। चलो क्लास में चलते हैं। दोनों क्लास में चली जाती हैं। छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। वो लड़की घर पहुंचती है। मम्मी मैं घर आ गई। आ गई बेटा, कैसा गया तेरा दिन? मम्मी आज मेरे साथ स्कूल में कुछ हुआ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या हुआ बेटा बता। मम्मी मेरी सहेली वंशिका अपना टिफिन नहीं लाई थी। क्यों? क्योंकि उसके घर पर आटा ही नहीं था। तो बेटा तू अपना टिफिन उसके साथ शेयर कर देती। पर मम्मी मैंने अपना टिफिन डस्टबिन में फेंक दिया। क्या? मैंने इतनी मेहनत करके तेरे टिफिन बनाया और तूने डस्टबिन में डाल दिया? सॉरी मम्मी, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। बेटा गुरु नानक जी हमें जो भी देते हैं हमें हमेशा उसका स्वीकार करना चाहिए, ना कि अपमान। उनका अनादर भी कभी नहीं करना चाहिए। सॉरी मम्मी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया।
हाँ बेटा, मुझे खुशी हुई कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। चलो हम खाना खाते हैं। इस कहानी से हमें गुरु नानक जी संदेश देते हैं कि हमें अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। एक बार गुरु नानक जी तथा उनके शिष्य भ्रमण के लिए निकलते हैं। भ्रमण करते करते वे थक चुके हैं। गुरु जी, बहुत रात हो चुकी है, हम बहुत थक चुके हैं। चलो शिष्य, यही कहीं पास के गांव में विश्राम कर लेते हैं। कहिए, क्या काम है, क्या चाहिए? ये हमारे गुरु जी हैं, हम भ्रमण के लिए निकले हैं। भ्रमण करते करते हम थक चुके हैं, क्या आज रात हमें यहाँ आश्रय मिल सकता है? जाओ यहाँ से, जाओ 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 यहाँ से, हम यहाँ कोई आश्रय नहीं देंगे। जाओ यहाँ, जाओ। गुरु जी तथा शिष्य जाने लगते हैं। रुकिए गुरु जी, इतनी दूर तक आए हैं तो आशीर्वाद देकर जाइए। आबाद रहो, आबाद रहो। अब ये लोग वहां से निकल पड़ते हैं। गुरु जी, इन लोगों ने तो हमें आश्रय नहीं दिया, अब हम कहाँ विश्राम करेंगे? कोई बात नहीं शिष्य, पास में ही एक दूसरा गांव है, वही कहीं विश्राम कर लेते हैं। ये हमारे गुरु जी है, हम भ्रमण के लिए निकले हैं। भ्रमण करते करते हम थक चुके हैं, आज रात हमें यहाँ आश्रय मिल सकता है? हाँ हाँ, आइए आइए गुरु जी, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? उस गांव वालों ने उनका अच्छे से स्वागत किया, उनके लिए पानी तथा भोजन की व्यवस्था की। पल पल जप तेरा तू ही पिता है, तू ही गुरु जी, हमारे लिए और कोई सेवा हो तो कहिए। नहीं पुत्र। गुरु जी, आज रात यही विश्राम कीजिए। गुरु तथा शिष्य रात को गांव में ही विश्राम करते हैं। सुबह होते ही वे लोग भ्रमण के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। गांव वाले उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। गुरु तथा शिष्य भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। क्षमा करना गुरु जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जो बुरे गांव वाले थे, उन्होंने हमें ना रहने को जगह दी ना खाना दिया, फिर भी आपने उन्हें आशीर्वाद दिया आबाद रहो, और अच्छे गांव वालों ने हमारा इतना आदर सत्कार किया, आपने उन्हें कहा उजड़ जाओ, ऐसा क्यों? हाँ गुरु जी, मैं भी यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैंने बुरे गांव वालों को आबाद रहने का आशीर्वाद इसलिए दिया ताकि बुराई वहीं तक सीमित रहे, तथा अच्छे गांव वालों को उजड़ जाओ ये आशीर्वाद दिया ताकि विश्व में अच्छाई चारों ओर फैलती रहे। क्षमा कीजिएगा गुरुजी, हमने आपसे यह प्रश्न पूछा। कोई बात नहीं शिष्य, चलो शिष्य, हम ब्रह्मन के लिए निकल पड़ते हैं। पल पल जप तेरा जो बोले सो Isn't it an evening of rediscovering our roots across the diverse scape of our traditions? Thank you, children. Moving on to our next item, Mahishasur Mardini. Stotram is a very devotional stotra of Goddess Durga, written by Adi Shankaracharya. This devotional verse is addressed to Goddess Mahishasura Mardini, the goddess who killed demon Mahishasur. It is the fierce form of Goddess Durga. This dance will be presented by our young talents of Old Building Standard 3rd and 4th, devoting to the worship of Ma Durga and her 9 avatars.
The students have been guided by Mrs. Lata Yadav. अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, हो अगर मन में प्रेम तो फिर मुस्कुरा दीजिए। है आज हमारा, क्या पता कल हो ना हो, कोई गीत कोई कविता हो मन में तो गुनगुना दीजिए। विथ सम ब्यूटिफुल लाइन्स ऑन लाइफ, जिंदगी एंड रिलेशंस, कमिंग अप ऑन द स्टेज आर आर स्टूडेंट्स of secondary and higher secondary section. Surely, you will have the moments of laughter and emotions with a smile and a drop of tear. Come, let's give our hearts and an ear to these upcoming kavi or kavitri of modern school. पलकों को झुकाकर सलाम करते हैं, पलकों को झुकाकर सलाम करते हैं, इस दिल की दुआ आप सभी के नाम करते हैं। मंजूर हो तो मीठी मीठी तालियां हो जाए, क्योंकि ये शानदार सी शाम हम आपके नाम करते हैं। इससे पहले कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हो, चलो कुछ आपको सुना देते हैं। तो क्या हुआ, दुनिया वाले हमें नहीं जानते, चलो हम खुद ही अपना नाम बता देते हैं। मैं कृतिका बोरसे आप सबका इस कवि सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने साहित्य के एक अहम हिस्से कविताओं को सुनना और गुनगुनाना तो जैसे भूल ही चुके हैं, तो आज इस मंच पर मेरे कुछ दोस्त कुछ बेहतरीन कविताएं प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कभी फूलों की तरह मत जीना, कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे बिखर जाओगे, जीना है तो पत्थर बनकर जियो, किसी दिन तराशे गए तो खुदा बन जाओगे। दोस्तों, ऐसे ही श्री हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध कविता प्रस्तुत करने आ रही है, वर्मा भूमि का स्वागत है। स्वागत है।
कृतिका जी। नमस्कार, आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है जीवन की सच्चाई। मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। किसी ने बर्ड से पूछा, किसी ने बर्फ से पूछा, अरे तू इतनी ठंडी क्यों है। बर्फ ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, फिर गर्मी किस बात पे दिखानी। रब ने नवाजा जिंदगी देकर हमें, रब ने नवाजा जिंदगी देकर हमें, और हम शोहरत मांगते रह गए। सही बात है। जिंदगी बिता दी शोहरत के पीछे, जिंदगी बिता दी शोहरत के पीछे, और फिर जीने की मोहलत मांगते रह गए। ये कब्र, ये कफन, ये जनाजे, ये कब्र, ये कफन, ये जनाजे, सिर्फ बातें हैं मेरे दोस्त, वरना मर तो इंसान तभी जाता है जब उसे याद करने वाला कोई नहीं होता। सही बात है। ये समंदर भी तेरी ही तरह खुद गर्ज निकला, जब जिंदा थे तो तैरने न दिया, और जब मर गए तो डूबने न दिया। वाह 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 वाह। आज मुलाकात हुई गुजरती हुई उम्र से, मैंने कहा जरा ठहरो तो, वो मुस्कुरा के इठलाते हुए बोली, मैं उम्र हूँ ठहरती नहीं, पाना चाहते हो मुझको तो मेरे हर कदम के संग चलो। मैंने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, कैसे बनकर चलूं मैं तेरा हम कदम, कैसे बनकर चलूं मैं तेरा हम कदम, तेरे संग चलने पर छोड़ना होगा मुझको मेरा बचपन। तेरे संग चलने पर छोड़ना होगा मुझको मेरा बचपन। तू ही बता दे कैसे समझदारी की दुनिया अपना लूं, जहां है दूरियां, नफरतें, शिकायतें और अकेलापन। मैं तो दुनिया ए चमन में बस एक मुसाफिर हूँ, मैं तो दुनिया ए चमन में बस एक मुसाफिर हूँ, गुजरते वक्त के साथ एक दिन यूं ही गुजर जाऊँगा। करके कुछ आँखों को नम, करके कुछ आँखों को नम, कुछ दिलों में बस यूं ही याद बनकर बस जाऊँगा, कुछ दिलों में बस यूं ही याद बनकर बस जाऊँगा। वाह भूमिका जी, पूरी जिंदगी की सच्चाई आपने अपनी कविता में बयां कर दी, जिसकी तारीख मिलते ही स्टूडेंट्स करने लगते हैं काउंटडाउन, जिसकी तारीख मिलते ही स्टूडेंट्स करने लगते हैं काउंटडाउन, वो दिन आने पर उनका माइंड हो जाता है डाउन डाउन। जी हाँ दोस्तों, वो है एग्जाम्स के दिन। इन दिनों का तजुर्बा आप सबको भी है, जो अपने हास्य कविता से कर देगी सबको घायल। अब मंच पर आ रही है महेश्वरी स्नेहल। स्वागत है। धन्यवाद इतने खास परिचय के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने उस विषय पर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिस दौर से मैं ही नहीं आप सब भी गुजर चुके हैं। उस मुसीबत का नाम है एग्जाम। चारों ओर एग्जाम्स का साया है, चारों ओर एग्जाम्स का साया है, ये क्वेश्चन भी पढ़ना है, ये अगली रात को याद आया। सही होता है। हम तो यूं ही चल देते हैं बिना मुंह धोए एग्जाम देने, पर दोस्त कहता है रात भर पढ़ कर आया है। ऐसा ही होता है, सही बात है। फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाग कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, और जो एग्जाम के समय काम न आए उसे स्टूडेंट का दिमाग कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये एग्जाम का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है, जो प्रश्न नहीं आता वही कंपलसरी होता है। ऐसा ही होता है। मत छीनो हम बच्चों से मोबाइल, इसके बिना ना हम रह सकते हैं, चाहे ले लो एग्जाम भी व्हाट्सएप से, क्योंकि यही हम अच्छे से करते हैं। एग्जाम सबके अच्छे जाते हैं, फिर
फिर क्यों ये रिजल्ट खराब आते हैं, फिर क्यों ये रिजल्ट खराब आते हैं। धन्यवाद। वास्नेहल जी, एग्जाम्स के दिनों में स्टूडेंट्स की पूरी मनोदशा आपने अपनी कविता में प्रस्तुत कर दी, जिनके आने से महफिल में दूर हो जाता अंधियारा, जिनके आने से महफिल में दूर हो जाता अंधियारा, वो है दीप महेश्वरी निराले, प्रस्तुत करेंगे अपनी हास्य कविता। स्वागत है। ये शानदार सी शाम आपके नाम करना चाहता हूँ, ये शानदार सी शाम आपके नाम करना चाहता हूँ, एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है अकल बांटने लगे विधाता। अकल बांटने लगे विधाता लंबी लगी कतारे, अकल बांटने लगे विधाता लंबी लगी कतारे, सभी आदमी खड़े हुए थे कहीं नहीं थी नारी, सभी नारियां कहाँ रह गई, सभी नारियां कहाँ रह गई, था एचरच भारी, पता चला ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई थी सारी, मेकअप की थी ग्रहण प्रक्रिया एक एक पर भारी, मेकअप की थी ग्रहण प्रक्रिया एक एक पर भारी, कुछ बैठी थी इंतजार में कब आएगी बारी, उधर विधाता ने पुरुषों में अकल बांट दी सारी, ब्यूटी पार्लर से फुर्सत पाकर जब पहुंची सब नारी, बोर्ड लगा था स्टॉक खत्म है अकल नहीं अब बाकी, बोर्ड लगा था स्टॉक खत्म है अकल नहीं अब बाकी, रोने लगी सभी महिलाएं नींद खुली ब्रह्मा की। वाह। ब्रह्मा जी ने कहा देवियों बहुत देर कर दी है, ब्रह्मा जी ने कहा देवियों बहुत देर कर दी है, जितनी भी वे अकल मैंने सब पुरुषों में भर दी है, लगी चीखने सभी महिलाएं ये कैसा न्याय तुम्हारा, लगी चीखने सभी महिलाएं ये कैसा न्याय तुम्हारा, कुछ भी करो हमें तो चाहिए आधा भाग हमारा, सोच कर दाढ़ी सहलाकर तब बोले ब्रह्मा जी, थोड़ा सा भी हंसना रोना रहे पुरुषों पर भारी, थोड़ा सा भी हंसना रोना रहे पुरुषों पर भारी, जितने भी वे अकलमंद हो अकल जाएगी मारी, एक अधेड़ी बोली बाबा हंसना रोना नहीं आता, एक अधेड़ी बोली बाबा हंसना रोना नहीं आता, झगड़े में है सिद्धा इस समय खूब जगन्ना भाता, ब्रह्मा बोले चलो मान ले यह भी बात तुम्हारी, ब्रह्मा बोले चलो मान ले यह भी बात तुम्हारी, झगड़े के आगे भी नर की अकल जाएगी मारी। सही बात है। कहे कभी ध्यान से सुन लो अब तुम बात हमारी, बिना अकल के भी होती है नर पर नारी भारी, बिना अकल के भी होती है नर पर नारी भारी। धन्यवाद। वाह। वादीप जी, क्या हास्य लुटाया है आपने। आते ही जिनके रोशन होने लगती है शाम, ओजमयी वाणी है जिनकी पहचान, अपनी हृदय स्पर्शी कविता के साथ आपके सामने आ रही है काजल राम। स्वागत है। धन्यवाद। नारी के त्याग को प्रस्तुत करते हुए मैं चंद पंक्तियां आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, सरहद को अपनी आंखों का ही नूर दिया है, एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, भारत की महान पूजनीय संस्कृति जहाँ गीता है, मंदिर है, मस्जिद है, लेकिन आज भी वहाँ नारियाँ सुरक्षित नहीं है, तो इस बात पे आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो, मंदिर तो आज कल में ही बन जाएंगे मगर, कलयुग की रावणों से अपनी सीता बचा।
बचालो वो तू कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचालो। हिंदुस्तानियत है दिल में जाऊं कहीं भी, हिंदुस्तानियत है दिल में जाऊं कहीं भी। हिंदी की बेटी हिंद का परिवेश ना भूली, हिंदी की बेटी हिंद का परिवेश ना भूली। मीरा की तरह जहर भी पीती है बेटिया, मीरा की तरह जहर भी पीती है बेटिया। रिश्तों के धागे टूटे तो सीती है बेटिया, रिश्तों के धागे टूटे तो सीती है बेटिया। भारत में महिलाएं पुरुषों के लिए व्रत रखती हैं, महिलाओं में भारत में महिलाएं पुरुषों के लिए व्रत सकती हैं, पत्नी अपने पति के लिए व्रत सकती हैं, माँ अपने बेटे के लिए व्रत सकती हैं, पर उस बेटी के नाम पर कोई उपवास नहीं है। तो इस बात पे आपका ध्यान चाहूँगी, बेटी के नाम पर कोई उपवास नहीं है, बेटी के नाम पर कोई उपवास नहीं है। फिर भी तो पूरी उम्र को जीती है बेटिया, फिर भी तो पूरी उम्र को जीती है बेटिया। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह काजल जी, नारी की अहमियत क्या सुंदर तरीके से बताई है आपने। मंजिल मेहनत से मिलती है, खुद को कोसने से नहीं। सही बात, मंजिल मेहनत से मिलती है, खुद को कोसने से नहीं। पिता भी जिंदगी में एक ही बार मिलते हैं, बार बार नहीं। कृष्ण कहते थे जिनको दाऊ, आ रहे हैं अपनी कविता प्रस्तुत करने बलराम भाऊ। स्वागत है, स्वागत है। नमस्कार, हम सभी एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हमारा बूढ़ा बाप हमारी ताकत है। इस ताकत को आप सब तक पहुंचाने के लिए कुछ पंक्तियां पेश करना चाहता हूं। अर्ज किया है मुश्किलों से अकेला लड़ रहा हूं मैं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। मुश्किलों से अकेला लड़ रहा हूं मैं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। क्या हुआ जो मेरे बाबूजी बूढ़े हैं, जब तक वो मेरे साथ हैं मुझे कोई डरा नहीं सकता। जब तक वो मेरे साथ हैं मुझे कोई डरा नहीं सकता। सचमुच मैं डरता नहीं किसी से, डरता नहीं किसी आफत, किसी बला, किसी मुसीबत या किसी परेशानी से। क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो भी कोई है जो मेरे लिए उस भगवान से भी लड़ जाएगा, जो मेरे लिए उस भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सिर पर हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी। अभी मेरा बाप जिंदा है, अभी मेरा बाप जिंदा है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। दोस्तों, आप अपने जीवन में सब कुछ भूल जाना, बस इतना याद रखना कि माँ से महान और पिता से पवित्र इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं हो सकता। इसलिए तो मैं कहता हूँ, जब भी आप अपने पिता से मिले सिर झुकाकर मिलना, क्योंकि उनसे बड़ा व्यक्ति आपके जीवन में और कोई नहीं आएगा। मेरे बाबूजी से आलीशान और कौन होगा जो अपने कुर्ते की फटी जेब में हाथ डालकर बोले, मेरे बेटे को जो चाहिए वो सब मिलेगा, मेरे बेटे को जो चाहिए वो सब मिलेगा। उनसे बड़ा धनवान व्यक्ति और कौन होगा। धन्यवाद। बलराम भाऊ, खूब चांद, आपकी कविता सुनकर तो हम सब भावुक हो गए, है ना दोस्तों? दोस्तों, अगर सचमुच आपको ये कवि सम्मेलन पसंद आया तो एक बार आपकी दाद चाहूंगी, जोरदार तालियों से आपका आशीर्वाद चाहूंगी। धन्यवाद। हम तो अल्फाज ही सुनते रह गए, और एक ये है जो आंखों में आंसू भर चल दिए। यह कवि सम्मेलन मिसेस लक्ष्मी धवन और मिसेस श्वेता जोशी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया था। Without further ado, I invite our principal, the driving force behind our school success, to the stage to present the annual school report and make
everyone aware of our continuous efforts for the all-round development of our students as well as our school. Thank you. Good evening once again, ladies and gentlemen. I am here to present the school report for the academic year 23-24. I would like to highlight some achievements of our school in academic as well as co-curricular field. First, let us start with academics. School results for board 10th and 12th always have been encouraging, about 90% plus. But credit of it goes to complete Team Modern School. I would like to even tell, along with Team MS, there are parents who always coordinate to make our efforts successful. Yes, Corona pandemic had given effect on a negative impact, but then team is back with some additional efforts for improvement in studies. I would like to mention here that every year token gifts from school side are given to the toppers of board exam students, that is first and second in 10th and 12th. They are honored with a check of rupees 5,000 and 3,000 along with a certificate. Not only this much, I would like to even say that our secretary sir, Mr. Adil Sidna sir, also gave us a check of rupees 9,000 and certificate to the toppers of 10th and 12th in memory of his late mother and father, Mrs. K.F. Sidna ma'am and F.B. Sidna sir. We are thankful to you, sir, for encouraging our kids in form of this and blessing them. Even I would add in this way that toppers of all other classes also are honored with a memento and set of books every year. Coming to co-curricular activities. Now, in for overall development of kids, all type of co-curricular activities are conducted. I would like to highlight weekly in assembly activities are conducted. Not only that much, monthly all variety of activities are conducted that are cultural, sports, even literature related activities among different groups of school. School students are divided into four groups. All intergroup activities are conducted, and to encourage them, prizes are given from school side. I would like even to inform you that our students participate in inter-school events conducted by various students of schools, colleges and NGOs. Here, let's have a glance over it. Our students have participated, very few I can present here. Our students have participated in folk dance competition where they had a recognition. Even they participated in science fair, which is organized by education department side. Our students stood second in this, and this event was held in Adarsh Mahavidyalaya. Not only this much, Gajwani Institute had come up with a science venture of Let's Talk Science. Our students participated in this and were recognized and honored with certificate over there also. Recently, there was a maths quiz competition, which was conducted by Ramanuj Kluge Maths Club. Our students secured second position over there also. And I'd like to just highlight that they were honored there also with a prize. To develop the inner talent of students, here, school even goes for, in collaboration with Kalabharti Institute, drawing, handwriting, and essay writing competition every year, where students are honored with trophies, medals, and certificates.
Now, for moral development of students, also, school collaborates or takes in or interest through Bharat Ko Jano quiz competition, which is held by Gayatri Parivar, and Swami Vivekanand quiz competition, which is held under Ramakrishna Mission projects. Not only this much. Now, for interactive and social development of kids, school every year conducts picnics. For educational upgradation, every year educational trips are conducted. I would like to highlight, this year majority of classes visited Science City Bhuj, where they have got lot of knowledge on it. Now, not only that much, in sporting fields also, sports events also, I can only present a glance. Our students participated in majority of events of Khel Mahakum, then football events also. Recently, a cricket anchor club was conducted by Kutch Mitra. In that also, our schools participated and were recognized. Now, I take an opportunity to present with pride our new school uniform, which will be applicable from academic year 24-25. We are excited to unveil our brand new school uniform designed with comfort, style, and practicality in mind. Yes, dear parents, we will be sharing details about it with you. Last, I cannot end this without thanks. Yes, I would like to thank NGOs in town, Quiz Indies, Mr. Mahadev Rajani and group, then Bharat Vikas Parishad, Mr. Nilesh Shah and group, who have been always contributing for the fees of needy students. Sir, thank you for sharing helping hand to our kids. I would like to extend that. Even I would like to thank ex-students. Like every year, this year also they have come forward for giving token prizes to all the participants of today's program that are 400 plus, even to complete staff. So I will, even volunteers of today's program, I would like to thank Mr. Ravi Pamwani, Neeraj Karamchandani, Vishal Goyal for gifts. God bless them. I know it's coming back to root, but nice gesture. I express my sincere thanks, last but not the least here, to complete staff, without whose cooperation and coordination it was not possible. And my file, that is Vice Principal Sakshi, then MI in charges, Neena, Mrs. Yadav, Mrs. Trupti, and Mrs. Mansi Bajaj. Last but not the least, I also extend my thanks for all-round support and cooperation throughout the year to management. And I would like to add here, thank you, sir, for being here and gracing our occasion for the day. With this, I would like to end. Thank you, even all who have been present and for this program. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Let us continue with our prize distribution ceremony for our meritorious students. Now, first I would request Nandish Shukla sir, IITS, our IRTS Deputy Chairman, Deen Dayal Port Authority, Gandhidham. Sir is IRTS
Now, okay. Hello. I'll request Dhirin Mehta sir, please join on dais. Sir, please. Aye. Sorry for inconvenience. Now, we request our chief guest Nandesh Shukla sir, IRTS, Deputy Chairman, Deen Dayal Port Authority, Gandhidham. Sir is IRTS officer from 2006 batch. After 16 years of long experience, sir joined DPA on 21st February 2020. Sir has always emphasis on infrastructural improvement and modernization of port operations. Sir is even a fitness freak, I am shared that. Even interested in cricket a lot. Sir, please join us and for a few words and encourage our kids. Welcome, sir. मंचस्थ महानुभाव, मैं हिंदी में बोलूं चलेगा? हिंदी जिंदाबाद। मंचस्थ महानुभाव, प्रधानाचार्य महोदया, योगेश जी, आदिल जी, यहाँ पधारे सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चे जो आज का ये प्रोग्राम कर रहे हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। पहले तो मैं स्कूल मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने मुझे यहां बुलाकर सम्मान दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद। दूसरा, मैंने यहां नोट किया कि मैं 65वें एनुअल डे सेलिब्रेशन पे आया हूं, ये अपने आप में मायने रखता है। स्कूल के लिए एक जोरदार अप्लॉज होना चाहिए, क्योंकि इसका ये मतलब है कि हम किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं जो आज कल में पनपा है, इसके पीछे एक इतिहास है, एक विस्तृत इतिहास है, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ बिल्कुल कि बहुत सारे लोगों का बलिदान रहा होगा, बहुत सारे लोगों का दृढ़ संकल्प रहा होगा कि ये स्कूल अस्तित्व में आया। 65 सालों से ये सेवा कर रहा है गांधीधाम की और कच्छ की, और न जाने कितने मेधावी छात्र और कितने बड़े बड़े उद्योगपति, अधिकारी, सैन्य अफसर, लेफ्टिनेंट कर्नल यहाँ से पढ़ के निकले हैं, और उन्होंने देश को, समाज को अपनी सेवा दी है। तो इस पे आपको गर्व करने की बात है ये कि हम ऐसे प्रांगण में खड़े हैं जो 65 साल पुराना है और जो आगे भी सेवा देने को तत्पर है। दूसरा, मैंने ये प्रोग्राम देखा, कई बार क्या होता है कि प्रधानाचार्य मैडम ने स्कूल का एनुअल रिपोर्ट कार्ड पेश किया, लेकिन मैं आपको बताऊं जो कभी कभी स्कूल का प्रोग्राम बताता है वो एनुअल कार्ड भी नहीं बताता। ये जो प्रोग्राम है इसके लिए एक जोरदार राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए सबकी तरफ से, और मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि बच्चों की मेहनत दिख रही थी, बच्चे जितनी भाव विभोर होके, जितनी मेहनत से इन्होंने प्रोग्राम किए हैं, शायद ही इतने अच्छे प्रोग्राम हमें स्कूल फंक्शंस में देखने को मिलते हैं। लेकिन एक राउंड ऑफ अप्लॉज मैं आपसे और मांगूंगा ऑर्गेनाइजर्स के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने इस प्रोग्राम को कंसीव किया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखिए, प्रोग्राम जिस तरह से बने हैं, जैसे मैं किसी एक आध प्रोग्राम का नाम लूँ तो बाकियों के साथ अन्याय होगा, प्रोग्राम सारे बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे कबीर की वाणी में आपने कुछ सिखाने की कोशिश की, जो 400-500 साल पुराना एक कबीर का ज्ञान है उसको आज की परिस्थिति में दिखाने की कोशिश की कि कैसे वो अभी भी सच है। तो जब आप ज्ञान को संस्कृति में पिरोते हैं तभी वो ज्ञान सार्थक होता है।
और ये स्कूल की कोशिश है। देखिए, चाहे वो झांसी की रानी की प्रस्तुति हो, चाहे वो राणा प्रताप की प्रस्तुति हो, बार बार भारत के गौरवशाली अतीत को, भारत की परंपराओं को, श्री राम के अयोध्या आगमन की प्रस्तुति हो, उसको पिरोने की कोशिश करना और इसी बहाने बच्चों को भी बताना कि हम कौन हैं। मैथिली शरण गुप्त की बड़ी अच्छी कविता है भारत भारती, हे लेखनी उत्पत्र पर लिखनी तुझे है ये कथा, दृक्कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा, स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव, जो जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हैं भाव, जो चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति ही एक और कलत्र थी, इस दुर्दशा का क्या हमें तब स्वप्न में भी ज्ञान था, क्या इस पतन को ही को हमारा वह अतुल उत्थान था। है ठीक ऐसी ही दशा हत भाग्य भारत वर्ष की, कब से अवनति हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की, पर शोक है केवल यही ये नित्य गिरता ही गया, जब से फिरा है देव इससे नित्य फिरता ही गया, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज अपनी ये समस्याएं सभी, यद्यपि हमें इतिहास अपना ज्ञात पूरा है नहीं, हम कौन थे ये ज्ञान तो फिर भी अधूरा है। यही ज्ञान, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, जब तक पेड़ अपनी जड़ को नहीं पहचानता, तब तक ना खाद उस तक पहुंचेगी ना पानी। तो जड़ को पहचानना बहुत जरूरी है और संस्कृति जो आप पिरो रही हैं बहुत महान कार्य है, इसको जारी रखिए और इसको कंटिन्यू करिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आखिरी बात मैं बोलूँगा एज अ पेरेंट, मेरे भी दो बच्चे हैं और यहाँ सारे पेरेंट्स बैठे हैं, एक मैं एडवाइस, क्या पेरेंट टू पेरेंट एक बात है, एडवाइस तो क्या दूंगा मैं, लेकिन आजकल खास तौर पे पोस्ट कोविड के बाद बच्चों पे बहुत जोर, बच्चों पे तरह तरह की एक्सपेक्टेशन रहती है, मानसिक और शारीरिक विकास, दो साल कोविड ने हमारा बहुत नुकसान किया है, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पे भी ध्यान दें, उनको कंफर्टेबल करें और उन्हें बताएं कि जिंदगी 100 मीटर की रेस नहीं है, मैराथन है जो बहुत लंबी है, आजकल में कुछ नहीं होता लेकिन अगर वो स्वस्थ रहेंगे आगे बढ़ेंगे, जैसे माली होता है, एक पेड़ निकलता है ज़मीन से, अगर उसकी वो ढंग से कटाई छटाई और ध्यान नहीं करता तो वो पेड़ आगे क्रुकेड होता है, तो इसीलिए उसी तरह से हम सब पेरेंट्स का, और ये मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ इस मंच से, एज अ पेरेंट बोल रहा हूँ आप सबसे, मैं भी ध्यान रखूं, आप भी ध्यान रखें, और स्कूल से भी निवेदन करता हूं, वो भी ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नाउ वी स्टार्ट विद आवर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। वी रिक्वेस्ट आवर चीफ गेस्ट टू डू द ऑनर्स प्लीज। वी फर्स्ट स्टार्ट विद द एकेडमिक प्राइजेस। गजर जी दीपक, who stood first in standard 12th, but due to his college exams, he is not present over here, so his parents are over here to receive the award on his behalf. We will like to call their parents on the stage. A check of rupees 5,000 and a certificate from school side. He is also been awarded with a check of rupees 9,000 and an appreciation certificate by Mr. Adil Setna in memory of his mother and father. Thank you. Next is Ms. Divya Ravlani Rajesh. She stood second in 12th standard, but unfortunately she is also not present here. She is also been awarded with a check of rupees 3,000 and a certificate.
certificate from school side. She is there. We will wait a minute. We will request a father also to join on the stage. Thank you everyone. Coming up to standard 10, Miss Anamika Goyal Chetan. She stood first in school and here she received check of rupees 5,000 and a certificate from school side, and a check of rupees 9,000 and a certificate in memory of mother and father, Mr. Adil Setna. Next, we have the second in standard 10. Miss Khushi Ram Rakhiani Kamlesh. She has been awarded with a check of rupees 3000 and a certificate from school side. Next we move to the national level winner, Master Khanda Toshal, who was the winner in karate national level. He grabbed the first position and has won a gold medal too. This competition was held by International Wado Federation of India at Vadodara. Congratulations, beta. Selected at state level in various competitions. We have Ms. Agarwal Zalak, who was selected at state level in chess. And Mr. Nathik Taylor, in karate competition. Congratulations. Now we move on to our next award ceremony. We have with us the best boy of our school from standard 10, Master Kabir Takwani. Awarded a certificate and we call upon stage Miss Anya Chaudhary, who has been selected as the best girl from standard 10. Now, we call on stage
kindly collect the gifts on behalf of the participants. We call on Mrs. Tripti Jani from Adipur branch. Greatness.